100. पाकिस्तान की करतूत का वीडियो नया सामने आया। जाधव के परिवार वालों ने से पूर जलूल सवाल करती दिखी पाकिस्तान की। एयरपोर्ट पर मीडिया ने जाधव परिवार को घेरा। जाधव की मां हाथ जोड़कर करती है नमस्ते। मीडिया को दूर रखने के भरोसे के बावजूद पाकिस्तान ने की घटिया हरकत। कुलभूषण के परिवार के साथ पाकिस्तान की बदसलूकी पर संसद में गूंज निंदा। विपक्ष ने की हेगड़े को बर्खास्त करने की बात। हेगड़े ने संविधान बदलने की कही थी बात। शिमला में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण। जयराम ठाकुर ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। हिमाचल के 13वें मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर। 5 बार रह चुके हैं विधायक। जयराम की टीम में 11 मंत्रियों ने ली शपथ। वीरेंद्र कंवर, विपिन परमार, रामलाल, सरवीन चौधरी जैसे दिग्गजों को सौंपी गई जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का बैलेंस बनाने की कोशिश। युवा नेताओं को दी गई प्राथमिकता। शपथ समारोह में दिखी भाषाओं की विविधता। सुरेश भारद्वाज ने संस्कृत में ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद पीएम मोदी इंडियन कॉफी हाउस में जाकर पी कॉफी। ट्वीट करके पुराने दिनों को याद किया। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बने शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा। योगी आदित्यनाथ और फडणवीस समेत कई राज्यों के सीएम को शामिल। खुले मैदान पर हुआ शपथ ग्रहण समारोह। रिज मैदान में मंत्रियों ने ली शपथ। समर्थकों की भीड़ से भरा रिज मैदान। जय श्री राम के लगे नारे। अलकायदा के निशाने पर हिंदुस्तान। भारत के बड़े शहरों में ब्लास्ट की गीद अड़ की। अलकायदा ने जारी किया बयान। कहा कश्मीर जीतने के लिए भारत के बड़े शहरों पर करना होगा हमला। अलकायदा ने जारी किया वीडियो। दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर शहरों में हमला करने का जिक्र। जम्मू में सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। भारी मात्रा में मिला गोला बारूद और असला। ऑपरेशन में जंगल से मिले सेना को हथियार। AK-47 से लेकर ID जैसे खतरनाक विस्फोटक बरामद। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। नवशेरा में LOC के पास गोलीबारी। पाकिस्तान की ओर से की गई भारी फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। छोटा राजन को तिहाड़ जेल में मारने की फिराक में दाऊद इब्राहिम। लोकल गैंगस्टर्स के साथ मिलकर रची साजिश। खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा। छोटा राजन की पढ़ाई की सुरक्षा। साथी कैदियों पर छोटा राजन पर हमले की साजिश का शक। छोटा राजन को बाकी कैदियों ने इसे किया गया अलग। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मीटिंग। 31 दिसंबर को बैंगलोर में तय करेंगे प्लान। शाह की मीटिंग में सांसद और विधायक लेंगे हिस्सा। कर्नाटक से जुटे सारे बड़े नेताओं की रहेगी मौजूदगी। डिजिटल डिलीवरी को लेकर दिल्ली सरकार का LG पर हमला जारी। कहा LG को है होम डिलीवरी से परेशानी। दिल्ली सरकार ने तैयार किया था 40 सर्विसेज को होम डिलीवरी करने का बिल। लाइसेंस और सरकार से सर्टिफिकेट जैसे चीजें घर पर देने का था प्रावधान। चांदनी चौक से आप विधायक अलकलामा का जामा मस्जिद पर विवादित बयान। बोली बीजेपी चाहती है कि जामा मस्जिद बर्बाद हो जाए। अमरावती में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने AP सर्वेलांस और ड्रोन प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया। विवादित हथियार डीलर संजय भंडारी पर ED का शिकंजा। 27 करोड़ की संपत्ति जब्त। राजा भैया के पिता का 1.66 करोड़ का जब्त हुआ जेवरात। रिलीज मायावती सरकार में हुआ था जब्त। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट का फ्यूल लीक होने से हड़कंप। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात में प्राइवेट स्कूल को बड़ा झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार के फीस कंट्रोल कानून को सही बताया। दिल्ली के बाद मुंबई में विराट और अनुष्का की शादी की रिसेप्शन पार्टी। बॉलीवुड से लेकर दिग्गज क्रिकेटरों की मौजूदगी। बेटे अभिषेक, बेटी श्वेता और बहू ऐश्वर्या के साथ पहुंचे अमिताभ। शाहरुख और माधुरी दीक्षित समेत बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची। पार्टी में परिवार के साथ नजर आए सचिन तेंदुलकर। बेटी जीवा और पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे बॉलीवुड। रोहित, युवराज, हरभजन और आशीष नेहरा भी पार्टी में दिखे। पूर्व क्रिकेटर सहवाग और अनिल कुंबले भी पहुंचे। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी भी पार्टी में दिखी। जहीर खान भी पत्नी सागरिका के साथ पार्टी में पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ अपनी बहन इसाबेल कैफ के साथ पार्टी में शामिल हुई। रिसेप्शन में बॉलीवुड के बाद शाहरुख खान ने लगाया 4 चांद। विराट के साथ जमकर किया डांस। आज सलमान खान का जन्मदिन। 52 साल के हुए सलमान खान। सलमान के घर गैलेक्सी के बाहर फैंस की भारी भीड़। बढ़ाई गई सुरक्षा।
देश भर में फैंस मना रहे हैं सलमान खान का जन्मदिन। कश्मीर में फैंस से की आतिशबाजी। झारखंड के बोकारो में बैंक में भीषण सेंधमारी, 20 से ज्यादा लॉकर को काटकर फरार कर दिया। शनिवार रविवार के साथ क्रिसमस की छुट्टी के दौरान 3 दिन तक बैंक में ही जमे रहे बदमाश, लॉकर काटकर चले। मुजफ्फरनगर के खतौली में टला पड़ा रेल हादसा, रेल फाटक में ट्रैफिक के बीच पहुंची इंटरसिटी एक्सप्रेस, गेटकीपर की मुस्तैदी के चलते रोकी गई ट्रेन। हरियाणा के जिंद में सरे बाजार पोल्ट्री फार्म के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, 22 लाख की लूट। कानपुर पुलिस ने ट्रक से पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। करौली में सट्टेबाजी के आरोप में एक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी से 50,000 रुपए और कई मोबाइल फोन किए जब्त। हत्या के आरोप में जेल में कैद, देवर से मिलने गई महिला से छेड़छाड़, विरोध के बाद जमकर हंगामा। पलवल में दिल्ली आगरा रेलवे लाइन पर ट्रैक पर गिरा गाजर, 4 घंटे तक बाधित हुई रेल सेवा। इलाहाबाद में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की फायरिंग में पैर में लगी गोली। मुंबई में अवैध निर्माण गिराने गई पुलिस को का जमकर विरोध, पुलिस ने 5 के खिलाफ 10 के मुकदमा। हरिद्वार में पुलिस ने 2 वन्यजीव तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से सांप बरामद। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में बदमाशों ने की लाखों की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। किसानों को ठगने के बाद थाईलैंड भागे 2 जालसाज, भारत रिपोर्ट, पंजाब पुलिस की कोशिश के बाद हुई गिरफ्तारी। पंजाब के मोगा में किसान ने की खुदकुशी, 8 लाख का कर्ज से दबा हुआ था किसान। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।